कपड़ा खोल दूंगा तो अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे शॉप खोलेंगे दूसरे की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है साहिल शेख, वेलकम टू माय YouTube चैनल साहिल शेख व्लॉग्स। तो गाइस आज का शुरू लेके आज जाने वाले हैं Samsung सर्विस सेंटर में। तो इसलिए जा रहे क्योंकि आप लोगों को बताइए गाइस, मैंने एक Samsung का फोन लिया था A21s, तो मैंने डीओ के लिए दिया था गाइस। डीओ के लिए क्यों दिया था, क्योंकि वो जो साइड का फ्रेम रहता है मोबाइल का वो पंच हो रहा था, तो मैंने इसलिए डीओ के लिए दिया था गाइस। मेरी डीओ पॉलिसी थी तो मैंने वो फोन डीओ के लिए दिया गाइस, पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो वन मंथ के ऊपर हो चुका है। तो गाइज मैंने कुछ रीज़न की वजह से उस टाइम पे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। वन मंथ होने आया पर अभी तक मुझे डीओ नहीं दिया गाइज। मैंने दो तीन बार जाकर राउंड मारकर आ चुका हूँ सर्विस सेंटर में, बहुत ही ज़्यादा वीक सर्विस है सैमसंग की। सो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ, कल जुनीद को कॉल आया था कि तुम्हारा कूपन आ गया है, तुम लोग को डीओ नहीं मिलेगा, कूपन मिलेगा सैमसंग की तरफ से, तो आप उसमें से कोई भी फ़ोन ले सकते हो। सो गाइज आज हम जा रहे हैं, मैं और जुनेद मेरा फ्रेंड, आप लोगों को पता है स्मार्ट डिवाइस जिसका शॉप है वो, और मैं जा रहे हैं, उसका भी एक फ़ोन है A21s, उसने कस्टमर को दिया था वो फ़ोन, तो दो कूपन लेना है, तो दो कूपन आज आए हैं गाइज। जाते और देखते गाइज अब आज भी हमको मिलता है या नहीं। गाइज मैंने तीन चार राउंड मार दिया सर्विस सेंटर में, बट मुझे आज फाइनली मिल रहा है, मतलब मिल रहा है या कंफर्म अभी वो भी नहीं पता है, बट कॉल आया था जुनेद को कि मिल जाएगा ऐसा, तो वैसे देखते ही जाकर आई होप मिल जाए तो अच्छी बात है। और हाँ गाइस बारिश भी बहुत ज़्यादा है तो मैं रेनकोट पहन कर जाऊँगा। तो गाइस चलो निकलते हैं यहाँ से। एक बात और बताना भूल गया, सैमसंग का सर्विस सेंटर बहुत ही स्लो है, वन मंथ हो चुका है गाइस, मैंने सैमसंग सर्विस सेंटर में ही फ़ोन रखा था। सो गाइस सैमसंग की जो सर्विस है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और अपन फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई अपडेट क्या है फ़ोन की या फिर कुछ भी, तो सही से बताते भी नहीं गाइस। तो बस गाइस देखते हैं आज, आई होप अगर कूपन मिल जाए तो मैं एक न्यू फ़ोन ले लूँगा, बट अभी सैमसंग का नहीं लूँगा, मैं ओप्पो वीवो का लूँगा कुछ भी। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से और मैं दिखाता हूँ गाइस, अभी रेनकोट पहन लेता हूँ उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ सर्विस सेंटर के पास। देखो मेरा फ़ोन डीओ करने दिया था, आपको पता ही है गाइस, तो मैं अभी आया हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं। काफ़ी दिनों हो चुके हैं गाइस, एक महीना तो हो ही गया गाइस, तो अभी मैं आया हूँ देखते हैं। और बारिश भी जोरों से आ रही है, देखो यहाँ पर फ़ोन में ज़्यादा निकाल नहीं सकता गाइस, क्योंकि फ़ोन में पानी चला जाएगा तो फ़ोन मेरा ख़राब हो सकता है। तो अभी मैं जुनेद के फ़ोन से ब्लॉगिंग करूँगा शायद, क्योंकि उसका वन प्लस है, वाटरप्रूफ है ना, वाटरप्रूफ है फ़ोन, तो गाइस अभी मैं उसके फ़ोन से ब्लॉगिंग करूँगा। तो चलो अभी जाते हैं देखते हैं सर्विस सेंटर में, देखो लाइन लगी है यहाँ पर, तो जाते तो दिखा दूँगा आपको। सो गाइस मैं अभी नीचे आया, ऊपर में गया था सर्विस सेंटर में, मैंने पूछा तो बोलते हैं कि 15-20 मिनट में हो, क्योंकि जो मैडम है वो अभी फ़िलहाल नहीं है वापस, तो इसके लिए मुझे फिर से वापस थोड़ा लेट बुलाया, क्योंकि जुनेद के लिए रेनकोट देखते हम लोग यहाँ से। जुनेद बोलता मुझे रेनकोट लेना है, तो मैं बोला चल देख लेते यहाँ पर रेनकोट मिलेगा तो, और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी है, तो अभी मैं दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस फिर से नेक्स्ट शॉप में आए, यानी कि जो पहले शॉप में थे वो शॉप में से निकल गए, दूसरी शॉप में आए, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं दिखा, और यहाँ पर अभी देख रहे तो थोड़े बहुत अच्छे लगे हैं, तो देखते हैं मैं अंदर बताता हूँ आपको। थोड़े बहुत रेनकोट अच्छे हैं यहाँ पर, और वहाँ पर कैसा सिंगल कोटिंग था और काफ़ी ज़्यादा रेंज भी बोल रहे थे, तो यहाँ पर देखते हैं अभी और क्या रेंज रहेगी वो मैं बताता हूँ आपको। चलो
काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। रेनकोट चेक भी किया, पहन कर देखा, आप लोगों ने देख लिया होगा, इधर से ज़्यादा थोड़ा शोल्डर के पास से फटा हुआ है। तो अभी वो दूसरी जैकेट मंगा रहा भाई, तो अभी आएगी वापस, चेक करेगा, फिर से पहनेगा, देखते अच्छा तो लगा है तो देखते गाइस। और बारिश भी भूल भी रही है बारिश, तो अभी गाइस देखते सैमसंग सर्विस सेंटर में भी जाना है, तो रेनकोट चेक करने के बाद सैमसंग सर्विस सेंटर जाएंगे और देखेंगे। देखो गाइस दूसरा रेनकोट पहन रहा है और एक जैकेट लेकर आया है भाई, जो मंगाया है हम लोग ने, और वो रेनकोट चेक कर रहा है। देखते चलो और मैं दिखा दूँ। रेन फाइटर वाले भाई देखो, पूरा पैंट फट गया है, पूरा गिल्ला हो रहा है बंदा, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, रेनकोट ऐसे बना के देखो पूरा गिल्ला हो गया, दिखा पैंट, और पैंट पूरी गिल्ली हो गई। देखो अभी झिलका हम लोग ले रहे, देखो ये वाला। तो गाइस रेनकोट ले लिया है लास्ट, इसने 1350 में छोड़ा है, अभी देख रेनकोट पहन रहा है, जो उसका जो रेनकोट है वो गिला हो रहा है, मतलब अंदर से पूरा गिला हो रहा है। तो वो बोल रहे मैं यही नया वाला रेनकोट ही पहन लेता हूँ यहाँ से, वो पहन रहा है, उसने जो पहना था वो निकाल लिया और अभी पहन रहा है। कौन सा रेनकोट लिया, ये वाला पूरा जैकेट और पैंट ले लिया है इसने। ये अभी हम लोग ऐसे निकल रहे हैं, तो अभी हम लोग उसको कॉल करेंगे सर्विस सेंटर में, देखते हैं क्या है, अभी अपडेट रहता है, क्योंकि गाइज बहुत परेशान हो चुका हूँ सर्विस सेंटर, मतलब बोलते हैं ना सैमसंग का जो सर्विस है ना वो बहुत ही घटिया है, फालतू सर्विस है सैमसंग का, ज़रा भी पसंद नहीं है गाइज। इतने दिन से मैं फ़ोन को लेकर परेशान हूँ, चलो देखते हैं। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं सर्विस सेंटर के पास, देखो पीछे लाइन है, हम लोग जा रहे हैं अंदर, जिन्हें अंदर चले गए मैं अभी जा रहा हूँ, तो चलो देखते हैं अभी क्या प्रोसेस रहेगा, अंदर जाकर दिखाता हूँ। सो गाइस आप लोगों ने ये पेपर देख लिया होगा, बहुत ही कीमती पेपर है, काफी टाइम बाद 1 month बाद ये मुझे मिला है गाइस, दो फ़ोन के सैमसंग A21S दिया था मुझे, आप लोगों को पता ही अभी फाइनली मेरा वेरीफाई हो चुका है और मुझे चेक मिल चुका है पैसे का, अभी मैं पूरा सबमिट करूँगा वहाँ पर जाके, इसकी शॉप है जुनेद की शॉप है, ये खुद कर लेगा अभी आपको सब कुछ कर लेगा, पर अभी मैं एक फ़ोन ले लूँगा दूसरा, पर अभी मैं सैमसंग नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया सैमसंग की सर्विस कैसी है, अभी मैं दूसरा फ़ोन लूँगा A52 ओप्पो का, वो फ़ोन ले लूँगा गाइस पापा के लिए। तो बस गाइस चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, बहुत ही आज ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज गाइस मुझे कूपन मिल चुका है, अभी मैं रेनकोट पहन लेता हूँ यहाँ से और उसके बाद निकलेंगे, तो चलो निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच सैमसंग, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों ने मेरा काम कर ही दिया, तो उसके लिए थैंक यू, ऊपर आपकी सर्विस बहुत ही स्लो और थोड़ा फास्ट करो, चलो निकलते हैं। बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग क्योंकि कूपन मिल चुका है, और अभी मैं दूसरा फ़ोन लूँगा, तो अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे शॉप खोलेंगे जूनियर की, और वहाँ से फ़ोन ले लेंगे, और फिर आगे का जो प्रोसेस है वो जूनियर करेगा। एक बारिश भी अभी बंद हो चुकी है, तो चलो नीचे आपको सीधा भी जूनियर की शॉप पे, देखो जूनियर बाइक चला रहा है, नीचे बैठो चलो। सो गाइस अभी हम लोग चित्रालय पर रॉयल डेयरी में रुके, देखो रॉयल डेयरी में रुके, जुनैद बोलता है मैं लस्सी पी लेता हूँ, तू पिएगा, मैं बोला मैं नहीं पीता, मैं बाहर का खाता ही नहीं हूँ अभी, पीता है मुझे, तो यहाँ से अभी जुनैद लस्सी पी रहा है, लस्सी पिएगा और उसके बाद निकलेगा घर पर, तो घर पर जाके डायरेक्ट जुनैद की शॉप पर जाएगी हम लोग, वहाँ से मोबाइल लेना है वो मैं ले लूँगा वहाँ से ही, उसको बोला मुझे अर्जेंट दे दे यार, क्योंकि पापा के पास मोबाइल नहीं, तो ले लेंगे मोबाइल और उसके बाद फिर घर पर जाएंगे और ब्लॉग को एंड कर देंगे। तो चलो बस गाइस अभी यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको सिनेमेटिक शॉट में रॉयल डेयरी का, उसके बाद निकलते हैं।
सो गाइज फाइनली मैं अभी घर पे आ चुका हूँ, और मतलब घर पे नहीं जुनैद की शॉप स्मार्ट डिवाइस में आ चुका हूँ। तो यहाँ से अभी हम लोग फ़ोन लेंगे, जो मुझे फ़ोन लेना है A52 फ़ोन लेंगे यहाँ से, और फिर घर पे जाएंगे। गाइज काम हो चुका है, यहाँ से फ़ोन ले लेता हूँ। अंदर एक शॉप अभी खोला मैंने, हम लोग आए और जुनैद ने अभी शॉप खोला। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, फ़ोन लेंगे, ब्लॉग को एंड कर दूंगा बस। चलो आप लोग सब लोग देख सकते हो गाइज, मैंने फ़ोन ले लिया हो पापा के लिए। अभी कुछ टेंशन नहीं है, पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। अगर आप लोग सैमसंग ले रहे हो तो गाइज यहाँ पर सर्विस बहुत ही वीक है, सैमसंग की बहुत स्लो चलती है सर्विस। क्योंकि गाइज मैं भी 1 मंथ से बहुत हो रहा था, क्योंकि मेरा डीओ करने फ़ोन दिया था, तो पहले तो ऐसा बोला था कि डीओ नहीं हुआ। तो सर्विस सेंटर का पता, मैंने तो बोले कि पेंशन जुनैद की शॉप पे प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम है, सर्विस में प्रॉब्लम है, प्लस अपना जो सर्विस सेंटर मैंने डीओ करने दिया था फ़ोन, मेरा प्रॉब्लम था फ़ोन का जो फ्रेम था ना साइड से वो पंच हो रहा था, तो उसके लिए मैंने डीओ करने दिया था, डीओ नहीं हो रहा था। 1 मंथ पूरा मोबाइल उधर ही रखा सर्विस सेंटर में, तो अभी फाइनली मेरे को दिया उन कूपन दिया उन लोग ने, तो अभी मैंने जुनैद के वहाँ से फ़ोन लिया। गाइस कूपन का मतलब ये नहीं रहता है कि आप कोई भी फ़ोन ले सकते हो, बट अभी जुनैद वो बोल रहा है कि फ़ोन ले लूँगा दूसरा, जो भी देंगे उन लोग फ़ोन, यानी कि शायद A21 ऐसी रहेगा शायद, तो बोलता है मैं जुनैद बोलता है मैं ले लूँगा वो फ़ोन, नया ही आएगा पेटी पैक ऑब्वियसली, तो वो मैं ले लूँगा। तो मैंने वो बोलता है तू दूसरा फ़ोन ले ले, तेरे को अर्जेंट है इसलिए तुझे ज़रूरत है, तो उसने मुझे दूसरा फ़ोन दे दिया गाइस। देखो भाई शुक्रिया। तो बस गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक देना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना, तो सब लोग मिलकर बताओ। चलो मिलते हैं इसी तरह के शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, दुआ उम्मीद याद रखना, मिलते हैं कृपया से वापस स्वाद।